जा सकती फिर से भगवान शंकर को पाने के लिए हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बहुत छोटी उम्र में इनने भी तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने इनको दर्शन दिए। और जब भगवान शंकर ने इन्हें दर्शन दिए, पहले तो परीक्षा ली भगवान ने। जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों से कहा कि मेरे बारे में जितना बुरा भला कह सको उतना बुरा भला कहना। अब सप्तऋषि पहुंचे और सप्तऋषि कहते, अरे देवी तुम किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो? इसके कुल का, जिसके वंश का अता पता नहीं, इसके कुल का पता नहीं, जिसके वंश का पता नहीं, ऐसे शिव को पाना है। जानती हो उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, कभी पहाड़ पे रहता है, कभी मरघट में भटकता घूमता है। सती ने कहा, पार्वती जी कहती है, तो किसने कहा कि उनके पास घर नहीं? लोगों के पास तो एक दो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घर होते हैं, लेकिन यदि वे स्मशान वासी हैं तो सोचो जब एक गांव में कम से कम 2 स्मशान होते हैं तो पूरी दुनिया में कितने स्मशान होंगे। मतलब मेरे लाखों और करोड़ों घर, एक घर गंदा हुआ हम दूसरे में रहने लगेंगे, दूसरा गंदा हुआ तीसरे में, तीसरा गंदा हुआ चौथे में, ना झाड़ू की झंझट, ना पोछे की झंझट, ना डेंटिंग पेंटिंग की झंझट, कुछ नहीं कराना रे, ऐसा ससुराल किसको मिलेगा? सप्तऋषि कहते, रे देवी जानती हो भीख मांग के खाते हैं, तुमको क्या खिलाएंगे? पार्वती जी कहती, इससे अच्छा ससुराल और किसको मिलेगा जहां भोजन ना बनाना पड़े। माताओं की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सुबह रोटी, दोपहर में रोटी, रात को रोटी, बिचारियों का जीवन रोटी बनाते बनाते निकल जाता है। तो कहा कि धन्य हूं, ऐसा ससुराल किसको मिलेगा जहां रोटी ना बनानी पड़े, मैं धन्य हूं। रही बात भिक्षा मांगने की, तो जब भीख मांग के घर लाएंगे और देखेंगे कि पत्नी बैठी है तो अकेले थोड़ी खाएंगे, आधा खुद खाएंगे आधा मुझे खिलाएंगे, पेट मेरा भर जाएगा। सप्तऋषि कहते हैं, जानती हो देवी वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर घूमते हैं नग्न। पार्वती जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, बर्तन है नहीं तो बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे, ऐसा ससुराल किसको मिलेगा जहां कोई काम ना करना पड़े, मैं तो धन्य हूं। और जब सप्तऋषियों ने और कुछ बातें की, अपशब्द कहे, तो माँ पार्वती कहती हैं कि यदि एक शब्द और गलत कहा तो अभी यहीं पर तुमको भस्म कर दूंगी। उस समय सप्तऋषि माँ के चरणों में प्रणाम करके कहते कि हमको क्षमा कर दो, हम उन्हीं के कहने में आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषि वहां से चले गए। अब सप्तऋषि जब वहां से चले गए, पार्वती जी तपस्या कर ही रही हैं, उस समय भगवान शंकर स्वयं पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने आए। और जब परीक्षा लेने आए, अपने आप को साधु वेश में अपशब्द कहते गए, पार्वती समझ तो गई पर कहती है कि स्वयं यदि महादेव ही क्यों ना हो आप, और एक शब्द और गलत कहा तो मैं आपको भस्म कर दूंगी। उस समय भगवान शंकर एक बार फिर से पार्वती के हाथों बिना दाम बिक गए और बोले कि हे देवी, मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें। एक बार फिर भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ तय हुआ। बारात जाने की तैयारियां कैलाश पर्वत पर हो रही हैं और बारात के स्वागत की तैयारियां हिमांचल नगर में हो रही हैं।